नमस्कार, आईपा के मंच पर आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील राजनीति की, जहां धर्म, जाति, पार्टी, क्षेत्र से ऊपर उठकर एक ऐसी राजनीति जिससे एक ऐसे देश का निर्माण हो जहां सभी विकास करें, जहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजी रोटी की बात हो। और इसी कड़ी में मैं आज पहुँची हूँ गाजीपुर, और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो यूथ NCR के अध्यक्ष हैं प्रवीण मलिक जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनके विचार जानेंगे। और पहला जो मलिक जी, आपका स्वागत है आईपा के मंच पर। जी नमस्कार जी। प्रवीण जी, यहाँ पर पहला सवाल जो मेरा वो है ये कि फिलहाल आपकी जो मांगे हैं वो क्या हैं? देखिए, हमारी जो मांगे थी, तीन कानून थे जो वापसी प्रधानमंत्री ने बोला है मीडिया के सामने कि हम तीनों कानून वापसी लेते हैं। अभी उनकी प्रक्रिया यह है कि संसद सत्र चलेगा, उसमें वो सारी जो प्रक्रिया होती है कानून वापसी को लेके वो करेंगे। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा काफ़ी पुराना है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के टाइम से कि महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा रहा है MSP की गारंटी। ये हमारा पहले से भी था और इस बिल में भी हम लोगों ने ऐड किया था कि हमारी मांग ये भी रहेगी। दूसरे, हमारे 10 साल पुराने जो ट्रैक्टर हैं उसका मुद्दा है, बिजली अमेंडमेंट का मुद्दा है। ये बहुत सारे हमारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके भी हम चल रहे हैं। क्या प्रवीण जी, यहाँ पर MSP की गारंटी के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, MSP महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर बात करे, सरकार बुलाए, हम लोगों ने इन्हें जो हमारे जो मुद्दे हैं उनको हमने खुला पत्र इनको दिया है अभी 3-4 दिन पहले, तो उस पर हम लोग ही हमें बुलाएंगे तो उस पर बात की जाएगी क्या रहेगा। लेकिन आप प्रवीण जी, जो दिवंगत किसान हैं, जो 700 किसान यहाँ पर शहीद हो गए इस आंदोलन के दौरान, उनको लेकर आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, उसके लिए भी हम लोगों ने एक अपनी मांग रखी है कि जो हमारे 750 किसान जो शहीद हुए हैं उनके लिए शहीदी स्थल चाहिए, उनके लिए कुछ सरकार करे। जो अपने परिवार में जो अकेले कमाने वाले थे, अपने परिवार में अकेले थे, तो वो उसके लिए हमने बोला है, तो सरकार उस पर विचार करेगी। क्या वजह क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ हैं, किसान क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ हम लोग इसलिए थे, जो उन्होंने उसमें जो बनाया हुआ था, जो बिल के अंदर बनाया था कि किसी भी कंपनी से किसान जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर उन दोनों में आपस में अगर कोई विवाद होता है तो किसान की भी जो अपनी बात रख सकता है वो SDM तक रख सकता है। और SDM ने हरियाणा के अंदर क्या किया है वो आप जानते हो, क्योंकि SDM विधायक और इन लोग सब लोगों के अधीन आता है, तो उसकी इतनी पावर नहीं है। हम लोग ये चाह रहे थे कि चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लेकिन वो उसकी एक पहुंच कोर्ट तक होनी चाहिए, जो उन्होंने लॉ में ऐड नहीं की थी, इसलिए हम लोग खिलाफ थे उसके। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब जो ये आंदोलन है वो राजनीतिक होता जा रहा है, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, खासतौर से 2022 UP विधानसभा चुनाव जो है उसके बाद लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं, एक सवालिया निशान है कि जो किसान आंदोलन है वो राजनीतिक हो चला है? देखिए, ऐसा मीडिया बोल सकती है, मीडिया बोलती भी है, सब चैनल बोलते हैं, लेकिन आंदोलन ना कभी राजनीति की तरफ गया था और ना जाएगा। जी, तो ये क्या किसान आंदोलन BJP विरोधी है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारी BJP सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी केंद्र सरकार से लड़ाई है, और वो हमारे सारे जो हमारी जो मांगे हैं उस पर मान ले, हमारा किसके साथ झगड़ा है? हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, सरकार लगातार कह रही है कि जो MSP पर रिकॉर्ड खरीदी हुई है, उसके बावजूद फिर क्यों लड़ाई है, क्यों सरकार? और साथ ही साथ यहाँ पर मोदी सरकार की अगर बात की जाए तो किसानों के खातों में 6,000 रुपये भी उन्होंने डाले, उसके बाद ये आंदोलन जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। देखिए, किसान को साल में 6,000 रुपये नहीं चाहिए, किसान को उसका समर्थन मूल्य मिल जाए, उससे MSP मिल जाए, किसान सरकार को उल्टा 6,000 रुपये साल दे सकता है, इसको ज़रूरत नहीं है किसी की 6,000 रुपये की। जी, तो यहाँ पर प्रवीण जी, एक सवाल ये कि प्रगतिशील राजनीति को लेकर या खेती किसानी में भी अगर प्रगतिशील बात की जाए तो किस तरह से आप सुधार देखते हैं, क्या और ज़्यादा किसानी में सुधारों की ज़रूरत है? देखिए, हमारे तीनों कानून जो वापसी हुए हैं इस पर ये कर दें, हमारा MSP पे हमें गारंटी मिल जाए, बिजली अमेंडमेंट बिल है, हमारी काफ़ी मुद्दे हैं, अगर उस वो हमारे हल हो जाते हैं तो किसान आगे तरक्की कर सकता है। यहाँ पर जो किसान आंदोलन है उसको लेकर विदेशी, यहाँ पर कहें कि विदेशों में भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि देश की इसमें किरकिरी हो रही है, एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ विदेशों में प्रदर्शन करना कहाँ तक जायज़? देखिए, जो विदेशों में है, हमारे ही भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, तो वो जब यहाँ का किसान जो विदेशों में बैठा है, जब हमारे ऊपर यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी या किसान सरकार तानाशाही करेगी तो विरोध तो वो वहाँ पे भी करेंगे ना, तो हमारे लोग हैं जो वहाँ पे, यहाँ के किसान हैं, किसानों के बच्चे हैं, जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रेम जी, अब मेरा जो ये सवाल है ये चुनावों से जुड़ा है। आपने पिछली बार 2017 अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो किसे वोट दिया था? देखिए, वोट तो ऐसी चीज़ होती है, वोट दे के कोई बताता नहीं, आप भी नहीं बताओगे किसको वोट दिया था। वोट तो हम आगे भी देंगे, वोट बताने की चीज़ नहीं होती। तो इस बार भी वोट देंगे। तो क्या मतलब मौजूदा सरकार के लिए देंगे या बदलाव के लिए? नहीं, बदलाव के लिए वोट करेगा किसान बदलाव के लिए वोट करेगा। बदलाव इसे भी कह सकते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ बदलाव करे, क्या पता हमारा वोट उसी के बदलाव के लिए जाए। तो बहुत सारी चीज़ें, वोट देखो कोई नहीं बताता, अपनी आप भी नहीं बताओगे कोई नहीं बताता जी। चलिए प्रवीण जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रवीण मलिक, जो भारतीय किसान यूनियन में NCR यूथ की जिम्मेदारी इनको दी गई है और अभी ये आंदोलन फिलहाल ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है। और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।